दोस्तों ये एडवर्टाइज नहीं है, लेकिन आप भी अगर सैफी सिंगर से लाइव बात करना चाहते हैं तो आ जाओ यहाँ, नहीं यहाँ। सो गाइस, मौज क्रिएटर एकेडमी, इस मौज क्रिएटर एकेडमी का फॉर्म हर जगह पर फेमस हो गया है, और ये फेमस होने के बाद लोग भरने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भर नहीं पा रहे हैं। अब ऐसा क्यों नहीं भर पा रहे हैं, ऐसा क्या उसके अंदर है जो ये समझना पड़ेगा कि इसको कैसे भरें, आज हम बताते हैं। आते हैं सीधे टॉपिक पर। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें दोस्तों, और हमारे सभी पेजेस पर आप लोग जुड़ सकते हैं, जुड़ो ना चाहो तो। हम यहाँ पर बात कर रहे थे मौज एप्लीकेशन की। मौज एप्लीकेशन पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मौज क्रिएटर अकेडमी सिर्फ मौज फॉर क्रिएटर्स क्रिएटर्स के लिए है। समझ में नहीं आया होगा, फिर से एक बात बता दूँ, जो मौज फॉर क्रिएटर में आ चुके हैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए हैं, मौज क्रिएटर अकेडमी। और मौज क्रिएटर अकेडमी उन सभी सिटीज़ में खुलने जा रही है जिस सिटीज़ से आपका क्राउड है, यानी कि जहां आप ज़्यादा आपकी तादाद है वहां पर ये खुलेगी। और मौज क्रिएटर अकेडमी को सिर्फ एक चीज़ में नापा और तोला जा सकता है, वो है हम लोगों की एक कोलैबोरेशन, हम लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना बस। क्योंकि अकेडमी खुलेगी, हम वहाँ पर पहुँचेंगे, लोगों के साथ कोलैब करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, नई अपडेट को जानेंगे और मौज के बारे में जानेंगे, ये हम वहाँ जाकर जान सकते हैं। तो पहले तो मैं उस चीज़ को बताऊँगा कि इसके ऊपर जो पूरी मैंने रचनाएँ रची हैं आपको एक वीडियो के माध्यम से मिलेगी जो मैंने परसों ही डाली थी, और उसका लिंक तो नहीं, उसका आई बटन पर मैं वीडियो दे देता हूँ, आप जाके चेक करें, और चेक करने के बाद इस वीडियो को देख लें, क्योंकि फॉर्म कैसे भरना है ये मैं बताने वाला हूँ। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है इस फॉर्म की, आगे एक वीडियो में बताऊंगा आपने फॉर्म कैसे भरना है। लेकिन उससे पहले, ये नॉर्मल क्रिएटर्स के लिए नहीं है। यदि आप नॉर्मल क्रिएटर हैं, आप मौज फॉर क्रिएटर में सेलेक्ट नहीं हुए हैं, आपका वेल बिगन इज हाफ डन है, आपका होल्ड ऑन टाइट है, या फिर आपके पास कॉल आ गई है, व्हाटएवर, अगर प्रॉपर आप मौज फॉर क्रिएटर में नहीं हैं तो ये फॉर्म आपके लिए नहीं है। फिलहाल अगर आप इस फॉर्म को भर भी देते हैं तो कोई परेशानी भी नहीं है। ठीक वैसे ही कमाल है कि फेनक प्लस खा लो या फिर पैरासीटामोल, कुछ प्रॉब्लम नहीं भी होगी तो कम से कम आपको सर दर्द, बदन दर्द, इन सब से छुटकारा तो मिल ही जाएगा। देखते हैं ये वीडियो, इस फॉर्म को कैसे भरना है। सो गाइस, ये है मौज फॉर क्रिएटर अकेडमी, और मौज फॉर क्रिएटर अकेडमी का ये फॉर्म है, और इस फॉर्म को मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर फिल कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया था। अभी यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको एक ये नोटिस जो है हमारे पास मौज फॉर क्रिएटर का, इसको आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। बहरहाल इतना कुछ नहीं लिखा, सिंपल सा इसके अंदर लिखा हुआ है कि मौज फॉर क्रिएटर अकेडमी में हम आपको ले जाएंगे और आपको बताएंगे डीपली कि आप कैसी चीज़ों को कैसे कैसे समझ सकते हैं। कैसी चीज़ों को मतलब, कोई टेक्निकल इश्यूज आते हैं या कोई चीज़ नई अपडेट आती है जिसको आप नहीं समझ पाते हो, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर देते हैं, और हर एक चीज़ की वहाँ पर प्रोवाइडेशन होती है, तो ये आपको मिल जाता है। अच्छा, यहाँ नीचे हमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मौज का एक प्रोफाइल नेम, और मौज प्रोफाइल नेम के साथ हमारे पास उसकी एक लिंक होनी चाहिए हमारी प्रोफाइल की। मैं लिंक सबसे पहले यहाँ पर नेम डाल देता हूँ, तो मेरा नेम आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, सैफी सिंगर है, तो सैफी सिंगर मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। अब हमें अपने मौज प्रोफाइल की एक लिंक यहाँ पर डाल देनी है, मैं यहाँ पर लिंक डाल देता हूँ, आपको अपनी लिंक कॉपी कर लेनी है। यहाँ पर पूछ रहा है आपको अपना स्टेट का नेम बताना है, और स्टेट का नेम यहाँ पर फिल भी करना है, इम्पॉर्टेंट है, आपको बताना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, कॉल मेरा न्यू डाली है, ओके। एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देनी है, ईमेल आईडी में मैं वही ईमेल देता हूँ जो अपना ये लोकल ईमेल है, तो मैं इसको एक फिल कर देता हूँ, गाइस ईमेल आईडी मैंने यहाँ पर दे दी है। ईमेल आईडी देने के बाद यहाँ पर आपका एक कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगा कॉन्टैक्ट नंबर वो डालें जो आपका व्हाट्सएप नंबर हो, प्लीज़ ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि कॉन्टैक्ट नंबर वही दें जो आपका व्हाट्सएप हो। चलिए गाइस, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पर दे दिया है। कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद थोड़ा सा और अगर हम यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ये है हमारा एक जैनर। अब जैनर क्या है हमारा, कौन से जैनर में हम वीडियो बनाते हैं, यानी कि हमारी कैटेगरी क्या है, तो आपकी यहाँ कैटेगरी बहुत सारी है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं, और ये कैटेगरी आपने MFC में भी दी होगी, तो आप इस बात का ध्यान रखें, आप बहुत ईजिली इस कैटेगरी को भर सकते हैं। तो मेरी जो कैटेगरी है वो इसमें नहीं है, बिकॉज मेरी है सिंगिंग की कैटेगरी, और सिंगिंग की कैटेगरी में हमेशा म्यूज़िक आता है, तो यहाँ पर म्यूज़िक की तो कैटेगरी नहीं है, तो मैं इसको
नीचे करके देखूंगा तो इसमें जब नहीं है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल से अपनी कैटेगरी को कर दूंगा मैं एंटरटेनमेंट। तो एक्टिंग, रोमांस एंड हार्ट ब्रेक, कॉमेडी एंड फन, तो एंटरटेन के अंदर मेरे सिंगिंग का भी वो आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर बताता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है हमें। ये बताता है व्हाट मेक यू फिट मॉच फॉर क्रिएटर। मॉच फॉर क्रिएटर में आप फिट कैसे होते हैं, क्या आप इसको समझते हैं, आप इसके बारे में बताएं। तो मैं यहाँ पर क्या समझता हूँ, एज अ सिंगर मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये बहुत सिंपल है, एज अ सिंगर, ठीक है। तो एज अ सिंगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, एज अ सिंगर यहाँ पर कर दिया। एनी क्वेश्चन, अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो आप ये क्वेश्चन फिल करें, अदरवाइज नहीं है तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। जैसे ये इंपॉर्टेंट है ना, स्टार यहाँ पर बने हुए हैं, बट यहाँ पर कुछ नहीं है, आप चाहो तो भर सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं। करना क्या है, सिंपल से आपको सबमिट पर क्लिक करना है और आपका मॉच फॉर अकेडमी फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सो गाइस, ये इन्फॉर्मेशन मैंने पूरी तरह से आपको बताने की कोशिश करी है, आई होप आपको ये समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।